मेहता का उल्टा चश्मा। आराम से जेठालाल। ये वो स्लाइडिंग है थोड़ा। स्टेज बराबर नहीं है। टपू से ना। अभी आगे देखो पिच पे कितनी बार फिसलना है जेठालाल। वैसे दोस्तों, हाँ बोलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बाद में हूँ, खिलाड़ी पहले हूँ। इसलिए आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन मैं नहीं करूँगा। आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए हम बुलाने वाले हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मिस मोनालिसा को। मोना लीला, ये कौन है? लीला नहीं, मोनालिसा। विरोधी टीम के लिए क्या कहूं? देखिए बहुत ज्यादा शब्दों में तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ चार पंक्तियों की कविता में कुछ कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनना जेठालाल। हाँ सुन रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनो जो कहने जा रहा हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, टूटे हुए का कोई विकल्प नहीं होता। और हमने तो जिंदगी में हार के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है मेहता साहब, छा गए आप। शुक्रिया शुक्रिया। इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे जेठालाल जी? मैं मेहता साहब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब की बार जेठालाल गड़ा। तो गोकुलधाम वासियों, जीपीएल 3 का माहौल बनता जा रहा है, तो आइए टीम सिलेक्शन से पहले जान लेते हैं इनके टीम्स के नाम। तो मेहता जी, क्या सोचा है आपने अपनी टीम का नाम? देखिए वैसे तो दिमाग में कई नाम आए थे, बहुत सारे नाम रख सकता था, लेकिन जो एक नाम मेरे दिमाग में बिल्कुल मुफीद बैठता है वो इसलिए है क्योंकि मेरी टीम में खेलने वाले गोकुलधाम के कमाल के योद्धा होंगे। इसलिए मेरी टीम का नाम होगा मेहता के महारथी। बाबा, बाबा। अहो, नाम सुन के तो लगता है वजन इसी टीम का पड़ेगा। नहीं, महारथी। देखते कौन कौन आते हैं महारथी। तो आइए जानते हैं जेठा जी से कि उनकी टीम का नाम क्या होगा। अभी अभी मेहता साहब ने कहा कि उनकी टीम में एक से बढ़कर एक योद्धा होंगे, तो मेरा उनसे यही कहना है कि ये कोई रणभूमि नहीं है कि यहाँ योद्धाओं की जरूरत पड़े। ये दलाल, ये रणभूमि भले ही ना हो लेकिन रणभूमि जरूर है। बराबर। और रणभूमि में रन बनाने के लिए क्रिकेटरों की जरूरत होती है, योद्धाओं की नहीं। और मेरी टीम में मैं एक से बढ़कर एक दिलेर क्रिकेटर को शामिल करने वाला हूँ, इसलिए मेरी टीम का नाम होगा जेठा का जाबाज। तो दोस्तों वक्त हो गया है
जानिएगा कि कौन होंगे मेहता के महारथी और कौन होंगे जेठा के जांबाज। तो आइए शुरू करते हैं टीम का सिलेक्शन। जी एक्सक्यूज मी, इस बार टीम का सिलेक्शन कुछ अलग तरीके से होगा। इस बार टीम का सिलेक्शन चिट्ठी खींचकर होगा। हर खिलाड़ी के नाम की एक चिट्ठी होगी। अरे चिट्ठी खींचने की बात कहाँ से आई? हाँ बिल्कुल, मैं तो सारे खिलाड़ियों की लिस्ट बना के आया हूँ कि मुझे अपनी टीम में किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और नहीं तो क्या, ये देखो मैं भी बना के लाया हूँ। पापा मेहता अंकल आपकी लिस्ट कुछ काम नहीं आएगी, उसे रख दीजिए। क्योंकि टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस बार टीम सिलेक्शन चिट्ठी खींच के होगा। यार इतनी मेहनत देना भाई ये। अरे खाम खा इतनी मेहनत की ना, पहले बोलना चाहिए ना टप्पू, इतना टाइम गया इसमें। अरे 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 चलो 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 मेरे नाम की चिट्ठी है ना अंदर? नहीं दादाजी। चाचा जी उसमें सिर्फ खिलाड़ियों के नाम की चिट्ठी है, अंपायर के नाम की चिट्ठी नहीं। आप तो अंपायरिंग करेंगे ना, ये तो तय है। किसने तय किया? आप ही ने। कम हमने जब जीपीएल पहली बार किया था तो आपने बोला ना कि मैं अंपायर रहूंगा। जीपीएल 2 में भी आप अंपायर ही थे। तो क्या हमेशा मैं ही अंपायर बनूं? नहीं नहीं, इस बार मैंने तय किया है कि मैं खेलूंगा। नहीं ये अच्छी बात है कि आप खेलेंगे, तो फिर अंपायर कौन बनेगा? अरे वो तुम लोग जानो, मुझे क्या पता, मैं तो खेलूंगा बस। ठीक है ठीक है, टप्पू उसमें और एक चिट्ठी डाल देना, उसमें चाचा जी का नाम लिखना। हाँ अभी अभी डाल। अभी 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 वाह बापू जी वाह, अच्छा अच्छा निर्णय है आपका खेलने का, बहुत बढ़िया मजा आएगा। दादाजी आपकी चिट्ठी। शाबाश। तो टीम के सिलेक्शन के लिए हम दोनों कैप्टन से एक सवाल पूछेंगे। ठीक। जो सबसे पहले सही आंसर देगा पहली बारी उसकी होगी। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप दोनों सबसे पहले अपनी टीम में किसे लेना चाहेंगे? टप्पू। देखिए जाहिर सी बात है, टप्पू हमारे सोसाइटी का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, सबसे बेहतरीन प्लेयर है, इसलिए मैं तो सबसे पहले अपनी टीम में उसे ही लेना चाहूंगा। तो चलिए मैं आप दोनों से आपका सवाल पूछती हूँ। जी। सचिन तेंदुलकर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी सेंचुरी है? 51। 100। एकदम करेक्ट मेहता साहब, आप जीत गए। यस। सॉरी जेठालाल आपका जवाब गलत है। कैसे कैसे गलत है? जेठा जी मैंने टोटल सेंचुरी पूछी थी। पर आपने टोटल शब्द तो बोला ही नहीं। अरे जेठालाल टोटल शब्द बोला या नहीं बोला उससे कोई लेना देना नहीं है। मोनालिसा जी ने क्या पूछा था कि सचिन तेंदुलकर जी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज है? तो टेस्ट मैच और वनडे मिला के 100। वनडे भी तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है ना। लेकिन सेंचुरी तो टेस्ट क्रिकेट की गिनी जाती है ना, वनडे तो अभी कल का छोकरा है, उसको कम गिनता है। सॉरी जेठा जी, सही जवाब मेहता जी ने दिया है, तो पहला सिलेक्शन का मौका उन्हें ही मिलेगा। चीटिंग शुरू हो गई अभी से। देखा जेठालाल, अभी से हारने की शुरुआत हो गई है। मेहता साहब सचिन ने कितनी सेंचुरी मारी है वो पता होने से कुछ नहीं होता, जीतने के लिए सचिन की तरह खेलना आना चाहिए, वो मुझे आता है, इसलिए देखना जीतूंगा मैं ही। देखते हैं देखते हैं, इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मुशायरा नहीं है, क्रिकेट का मैच है, शायरिया बंद कीजिए अभी। तो लेट्स स्टार्ट आवर महामुकाबला, शुरू होने जा रहा है चिट्ठी खींचने का सिलसिला।
मेठालाल देखो कौन आता है पहला खिलाड़ी। दिल थाम के बैठिए, आ गया है मेहता का महारथी का पहला खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स दिल थाम कर बैठिए, जो सबसे पहले मेहता के महारथी में शामिल होने जा रहे हैं वो हैं जो गोकुलधाम का ऑलराउंडर है सबसे बड़ा, तो आ रहे हैं लिटिल मास्टर दीपेंद्र गणा। जेठा जी अब आपकी बारी। जेठा जी आपकी टीम में आ रही है सामने वाली टीम के उड़ाने होश और चैन गुगली बॉलर दया बे। पापा मैं आपकी परछाई हूँ, आ गई ना आपकी टीम में। थैंक यू दया, थैंक यू तुम्हारी टीम में आ गई, अभी हम लोग जरूर जीतेंगे। जीतेंगे हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। शाबाश, दोनों टीमों में एक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर आ गया। सही सही बात है, मेरा नंबर कब आएगा और कौन सी टीम में आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं मेहता के महारथी में कौन आता है। देखते हैं। देखो जेठालाल देखो। हाँ हाँ देख ही रहा हूँ। हाँ गौर से। अरे क्या हो गया आज आपको? चलो इतना क्या टाइम लगा रे, खींचो जल्दी जल्दी, चेते चेते दौड़ के लड़के पहुंच गए। शांति शांति शांति, मेहता के महारथी में जुड़ने जा रहे हैं हार्ड हिटिंग बैट्समैन एंड फास्ट बॉलर पंजाब के पुत्र रोशन सिंह सौड़ी। टप्पू और सोनी की जोड़ियों फटे चलेंगे। तो अब देखते हैं जेठा के जांबाज की टीम में कौन आने वाला है। जेठा के जांबाज में अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनका ये पहला जीपीएल है। भगवान कहीं बावरी तो नहीं। जीपीएल का है डेब्यूट, बट इनका तजुर्बा है सबसे बड़ा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर चंपकलाल गणा। अभी ये एक पिता और पुत्र नहीं जेठालाल, एक खिलाड़ी और कप्तान है। ये है ना बहन को मंगाए ना बीच में। हाँ, क्यों बोल रहे? अरे पर बता दूं ना तुम्हें इसलिए। नहीं नहीं वो बहन अपना काम करेंगे ना, मोना लीला वो लीला दिखाएंगे अपनी। अरे वो ठीक है पर आप मत दिखाए अपनी लीला, आप अपना काम कीजिए। जेठालाल बताना आवश्यक है इसलिए बता रहा हूँ। अरे भाई भिड़े ने बोला ना खास घोस्ट मंगाया है घोस्टिंग करने के लिए। घोस्ट जेठालाल होस्ट, तो उनका काम करना तो अपना, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं उनके काम के बीच में। दादाजी मैं चाहता था हम दोनों एक ही टीम में रहे। हाँ तो आ जा इधर हमारी टीम में। अरे ऐसे कैसे आ जाओ जेठालाल, टप्पू हमारी टीम का खिलाड़ी है। हाँ ठीक है पर इसमें इतना रो क्यों रहे हैं आप। अरे रोने की बात नहीं है जेठालाल, मतलब नियम की बात है ना भाई ये तो। अरे पर मेरा बच्चा का दम घुट रहा है उधर आपकी टीम में, इसलिए बेचारा बोल पड़ा।
आप जबरदस्ती उसका पकड़ के रखे है, ये तो किडनैपिंग का केस हो गया ना। अरे पर ठीक है ठीक है, दोनों शांत हो जा। हाँ टप्पू बेटा कोई बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वक्त आने पे अपनों के सामने भी हथियार उठाना पड़ता है, तू बैठ उठाना। ओ घोस्ट, आप अपना घोस्टिंग चालू कीजिए, या तो पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, पीछे पीछे हमको भी लेके जाएंगे। देखते हैं मेहता के मारुति में अगला कौन है। इसका कोई जोड़ नहीं है, हर कोई है कहता। महारत योगी टीम में आ रही है अंजलि तारक मेहता। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब तो आप हमारी ही टीम में आ गई है, तो हमारी धुलाई करने का प्लान तो चौपट। तारक आप भी ना, हम दोनों की बातें तो जिंदगी भर चलती रहेगी। अब मैं आपकी टीम में आ गई हूँ ना, हम दोनों मिलके सबकी धुलाई कर देंगे। तो फिर बाकी क्या करेंगे। मेरी टीम में एक मजबूत बैट्समैन की जरूरत है, भगवान करे अगली चिट्ठी में भिड़े का नाम निकले। अगला खिलाड़ी जो आ रहा है उसका नाम बी से शुरू होता है। भिड़ा भिड़ा आजा आजा भिड़ा आजा। नो जेठा जी, यू आर रॉन्ग। इनकी अदा है निराली और स्टाइल है सबसे हटकर। तो आ रहे हैं आपकी टीम में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बागेश्वर। सेठ जी थैंक यू। किस लिए थैंक यू? मेरे नाम की चिट्ठी चुनने के लिए। आप अपसेट मत होइए, मैं तो एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। हाँ बैटर बॉल मांझना अभी आजा। बाबूजी आ गया। चलिए भाई मोनालिसा जी, चलिए चलिए हमारी टीम की बारी है भैया। और ये नाम के लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। जैसे सर डोनाल्ड ब्रेडमैन के नाम के आगे सर लगता है, वैसे इनके नाम के पीछे सर लगता है। एब्सोल्युटली राइट, मेहता के महारथी बनने जा रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। दोस्तों अपनी टीम बहुत मजबूत बन रही है, बस अब एक हाथी भाई और अपनी टीम में आ जाए ना तो बेड़ा पार है समझ लो। ओ हाँ यार, हाथी भाई को पार करके स्टंप तक पहुंचने की ताकत किसी भी बॉलर की बॉल में नहीं है। उसके लिए तो फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल। कहां मेहता साहब की टीम और कहां मेरी टीम, समझ में नहीं आ रहा। इस टीम के साथ मैं जीतूंगा कैसे? GPL 3 में गोकुलधाम सोसाइटी में दोनों टीमों का चयन प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जेठालाल के चेहरे पे 12 बजे हुए क्योंकि टप्पू भिड़े और सोडी जैसे हार्ड हिटिंग बल्लेबाज ब्लास्टर्स मेरी टीम में आ गए और जेठालाल को मिले बागेश्वर, जिनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है जेठालाल को। चंपक चाचा जो कि डेब्यू कर रहे हैं, सरप्राइज पैकेज है, कैसा खेलेंगे कोई नहीं जानता। दया भाभी है, लेकिन दया भाभी एक पावरफुल बॉलर है, बल्लेबाजी का कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना ये होगा कि जेठालाल को अपनी पसंद के खिलाड़ी मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि जेठालाल को जरूरत है, सख्त जरूरत है अपने पसंद के खिलाड़ियों की और खासतौर पर अपने लकी चार्म बबीता जी की। अब देखना यह है कि क्या जेठालाल की टीम की किस्मत पलटती है, क्या उन्हें अपने पसंद के खिलाड़ी मिलते हैं, क्या उन्हें अपना लकी चार्म यानी कि बबीता जी का साथ हासिल होता है। भाई ये सब देखना है, तो देखना होगा आपको मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए और तब तक सोचिए क्या होगा इस टीम सिलेक्शन में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।